हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। दोस्तों तो आज मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी का आंसर की बताऊंगा। दोस्तों आप कोई भी सेट यहाँ पे मैं जो यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, वो सेट ई होगा। आपके पास जो भी ABCDEFGHJ तक यानी आपको जो भी सेट का क्वेश्चन हो इससे आप मिला सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सेट ई का यहाँ पे आंसर बताऊंगा। आप जो है दोस्तों किसी भी सेट का आप जो है क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आंसर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको होगा ए नंबर इसका आंसर होगा। आप मिला सकते हैं, आप जो भी सेट लिए होंगे उनसे आप जो है दोस्तों मिला सकते हैं अपने वीडियो को, इस वीडियो को पॉज करके। और जो है दोस्तों दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका भी दोस्तों ए नंबर आंसर होगा, यानी कि ए नंबर ये जो होगा आंसर। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। अब जो है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार ये आपके स्क्रीन पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है इसका जो आंसर होगा बी नंबर, आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे जो है दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर। आप दोस्तों पढ़ लीजिए, यदि कोई आपका दूसरा सेट है तो उसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स यानी कि छः पर चलते हैं दोस्तों। इसमें इसका आंसर हम लोग दोस्तों ढूंढते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको जो है यानी कि यहाँ पे जीन गन यानी ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर हम लोग चलते हैं, आप क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर जो है दोस्तों ए होगा, यानी कि ए नंबर। क्वेश्चन नंबर एट दोस्तों ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर जो है दोस्तों इसका भी एट का भी ए होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों एयर, इसका ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टेन में जो है दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टेन का। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर एलेवंथ की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, इसका जो आंसर दोस्तों होगा वो सी होगा, यानी कि एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा है यानी कि ट्वेल्व में जो इसका आंसर होगा दोस्तों राइस, यानी कि ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका जो आंसर होगा दोस्तों यानी 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर साइनोबैक्टीरिया ए नंबर इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा है इसका जो आंसर दोस्तों आपको डी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको जो होगा ए होगा, यानी तबैकु, क्वेश्चन नंबर 15 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर इसका आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 यानी आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, इसका जो आंसर होगा ये दोस्तों ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 दोस्तों यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपका जो भी सेट है वहाँ से आप मिला सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा। आपके पास दोस्तों कोई भी सेट हो तो उससे आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से दोस्तों आप मिला सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी दोस्तों आपको हेल्प मिल जाए, यानी वो अपना भी आंसर चेक कर ले बहुत आसान तरीके से। दोस्तों अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका जो दोस्तों आंसर होगा यानी 19 नंबर का आंसर दोस्तों बी होगा। आप दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, आपका जो भी सेट है उसे मिला लीजिए। दोस्तों आपको तो क्वेश्चन दिखाई इसका दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे एक नंबर होगा, यानी बोन मैरो।
इसका आंसर जो होगा ए नंबर 20 का। अब जो है दोस्तों 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वहां से आप पढ़ सकते हैं। 20 नंबर जब हो गया, 21 नंबर दोस्तों इसका जो है, इसका जो आंसर होगा यानी बी नंबर होगा, 21 का आंसर जो है बी होगा। अब जो है दोस्तों 22 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 22 में क्वेश्चन जो पूछा है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका सेट हो वो मिला सकते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। अब जो है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अब दोस्तों 23 नंबर है, यहाँ से आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको ए नंबर होगा। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आप देख लीजिए दोस्तों, आप मिला लीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं, आपका जो भी मीडियम हो दोस्तों, तो इसका भी आंसर बी होगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर 25 का। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसको आप पढ़ लीजिए, आपका जितना भी आंसर है वो मिला लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 26 नंबर का आंसर जो है दोस्तों आपको ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, इसका जो है दोस्तों आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर, 27 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको पढ़ लीजिए। अब जो है दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो होगा दोस्तों सी होगा, यानी हाइड्रोफिलस। क्वेश्चन नंबर 29 को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका जो 29 नंबर का आंसर होगा दोस्तों वो भी सी होगा, 1:2:1, यानी सी क्वेश्चन नंबर 29 का। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर आपको 30 में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, आप किसी भी मीडियम में आप मिला सकते हैं, आपका जो भी सेट हो उससे आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा यानी दोस्तों बी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी आरएनए, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के पास दोस्तों। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका जो आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का, उसका जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा आपको बी होगा, प्रोटोजोन्स, बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अब जो है फाइनली जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका जो आंसर होगा आप दोस्तों ए नंबर होगा। 35 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव के बारे में, बायोलॉजी के। दोस्तों यहाँ आप जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो भी है कोड आपके पास दोस्तों, इससे आप क्वेश्चन मिला सकते हैं दोस्तों। आप कोई भी क्वेश्चन मिलाइए दोस्तों, इसमें जो है आपको आंसर मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे जो है जनरली जो मैं दोस्तों इस सेट को यानी कि इस सेट का आंसर बताया हूँ। और जो है दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वो भी मिला ले अपना और अपना अपना कैलकुलेशन कर ले कितना नंबर उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है दोस्तों। और जो है दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान थोड़ा लगा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ। बस दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने बोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं यहाँ पे डेली जो है अप टू डेट आपको आंसर की देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बी स्माइल, बी हैप्पी। दोस्तों आप मेहनत कीजिए, अभी 2 दिन टाइम है फिजिक्स में, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आप सक्सेस होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बी स्माइल, बी हैप्पी। थैंक यू।